आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज बंधु इकट्ठे होकर रैली के रूप में निकले हैं। और ये रैली आपको बताइए युवराज क्लब से शुभारम्भ हुई थी। और ये है परशुराम चौराया। परशुराम प्रकटोत्सव के अवसर पर बड़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है और आज यहाँ बाइक रैली आ रही है और उसकी स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं युवराज क्लब से ये रैली प्रारंभ होकर अब सीधे परशुराम चौराहे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी में भगवे झंडे लगे हुए हैं और साथ ही परशुराम जी की तस्वीर गाड़ी में है। और पीछे पीछे बाइक पर सवार युवा जोश से आ रहे हैं, क्योंकि अब युवाओं में अपना पर्व मनाने की अपनी कल्चर को अपने धार्मिक आयोजनों को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि अब युवाओं के हाथों में बागडोर आ चुकी है और युवा अपने भारतीय संस्कृति एवं विरासत को सजो कर रखना चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि युवा हाथों में भगवा झंडा लेकर इस रैली में शामिल हुए हैं। जय दादा परशुराम की जय। साथियों, आज गुना शहर में ब्राह्मण युवाओं के द्वारा बाइक रैली का आयोजन है और यह बाइक रैली गुना के विभिन्न मार्गों से होती हुई दुबे कॉलोनी पहुंचेगी। आप सबसे इस बाइक रैली में सहयोग की अपेक्षाएं हैं और दिखाना है कि लोग ब्राह्मण जाग चुका है और आज यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जो दिखाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री परशुराम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोल भगवान परशुराम जी की जय। परशुराम जन्मोत्सव परशुराम जी के प्रकटोत्सव के पूर्व संध्या पर विशाल ब्राह्मण युवा संगठन के द्वारा, युवा विप्रो के द्वारा जबरदस्त वाहन रैली ये निकाली जा रही है। समाज में, ब्राह्मण समाज में जागरूकता आए, अधिक से अधिक लोग संख्या में परशुराम जयंती में भाग लें। और ऐसा हमारे माननीय भाई साहब जी ने यहाँ पर स्वागत व्यवस्था परशुराम चौराहे पर रखी हुई है और इनके नेतृत्व में ये स्वागत समारोह हो रहा है और आगे की परशुराम जयंती की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। सच में ही हमारा देश बदलने लगा है और जिस तरह युवाओं में जो अपने धर्म और अपने कल्चर को लेकर एक उत्साह नजर आता है, इससे लगता है कि वाकई देश बदल रहा है।